अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम देखने वाले हैं कौन से फ्रॉग हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में कौन सा फ्रॉग बेटर रहेगा। इन सब फ्रॉग्स के आपको नाम बताएंगे और ग्रामेज बताएंगे, देन इसे कब और कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग स्पिनर्स कब यूज़ कर सकते हैं? स्पिनर्स उस कंडीशन में क्या आपका पानी क्लियर है और वहाँ पर कैटफिश वगैरह है, तो आप स्नैक हेड भी पकड़ सकते हो और कैटफिश भी पकड़ सकते हो। ये एक अच्छा स्पिनर है ब्लू फॉक्स का, काफ़ी चीप रेट है, बट 180 रुपीज़ के आसपास में आपको ये मिल जाता है। देन उसके बाद में लोकल स्पिनर स्पून है, ओके, ये भी अच्छा दिखता है पानी के अंदर में, और पानी जब क्लियर हो तभी इन चीज़ों का यूज़ करना है आपको, अदरवाइज नहीं यूज़ करना है। ज़्यादातर इस पर कैटफिश लगती है और इसके ऊपर में स्नैक हेड्स का अटैक काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको देखना है कि कुछ चीज़ें जो है पॉपर, ये आपको कब यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें एक ही कंडीशन है कि विंड होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सामने का फ्रंट है ये बहुत अच्छी आवाज़ करता है, पॉप करके आवाज़ आती है इसकी, इसीलिए हम इसका नाम पॉपर है। ये दो कलर में है हमारे पास में, ये लुकाना का है, द बेस्ट क्वालिटी लुकाना, एक ग्रीन कलर में पॉपर के आप देखेंगे तो कभी भी सामने से फ्रंट खुला हुआ रहता है ताकि इसकी नॉइज़ अच्छी हो। उसके बाद में बलून फ्रॉक्स के अंदर में एक ये है 18 ग्राम का फ्रॉक। कलर बहुत डिपेंड करता है पानी के लिए, अगर आपका क्लियर वाटर है तो ब्लैक कलर ज़्यादा काम नहीं करेगा, ब्लैक कलर क्लियर पानी के लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन व्हाइट मेक श्योर, ये दोनों ही कंडीशन में काम करता है, जब पानी मैला भी हो और तब भी। इसका नाम है दुश्मन फ्रॉक और ये ऐसी कंडीशन में चलता है जहाँ पे ये फ्रॉक्स ज़्यादातर काम में नहीं आएंगे। एक ये वाला बलून फ्रॉक और ये दोनों भी ज़्यादातर उन कंडीशन में काम में नहीं आएंगे जिस कंडीशन में ये काम में आएगा, क्योंकि ये कहीं भी अटकता नहीं है। ये आप इसके नीचे भी साइज़ में देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे तो आपको ये कट नहीं लगता है। इसकी वजह से ये उस कंडीशन में टिक पाएगा जो बाकी अदर कंडीशन में टिक पाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि काफ़ी अच्छा है, हुक नहीं लगता है इसका, हुक दबाने पर ही लगेगा, हुक इसका जब तक आप नहीं दबाओगे तब तक नहीं लगेगा। और झाड़ियाँ होती है जहाँ पर ज़्यादातर स्नैक हेड्स होते हैं, वहीं के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। यह है 14 ग्राम का फ्रॉक और यह है बुल फ्रॉक भी आपको उन कंडीशन में काम में आएगा। बुल फ्रॉक लुकाना का है, ये लुकाना कंपनी, जैसे आप देख पाओगे लुकाना, इस पर भी बाइट बहुत ज़बरदस्त होती है। ये मेरा यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा फट चुका है लेकिन बहुत ज़बरदस्त यूज़ आता है। इसके बैक साइड में जो आप देख रहे हो ये हमारे तरफ से लगाया हुआ है, ये फेवी क्विक और देन पाउडर यूजिंग करके लगाया हुआ है, ताकि इसकी जो नीचे कतील लगा हुआ होता है वो ना निकले, आपको सेफ्टी के लिए ये करना ज़रूरी है। देन बाद में दुश्मन फ्रॉक का ये एक और टाइप है, ग्रीन फ्रॉक, ये भी 24 ग्राम के आसपास में है, ये भी ज़्यादातर कंडीशंस में नहीं अटकेगा, ये भी कोई भी पानी के अंदर में चलेगा, बट ब्लैक पानी में नहीं, थोड़ा हल्का मैला पानी रहा तब चल जाएगा। ये बलून फ्रॉक की एक और टाइप, ये भी यूज़ किया हुआ है हमने, देखिए इसके पीछे बैक साइड में भी जो है, इसके बैक साइड में देखिए इस तरह से होता है वो, बट हमने इसके ऊपर में फेविक्विक लगाया है, देन बाद में पाउडर उसके ऊपर नहीं छिड़का है, घर के अंदर का टैलकम पाउडर, उसकी वजह से ये जो है ये निकल नहीं पाते, इसके पीछे बैक साइड में जो वेट होता है वो निकल नहीं पाता है। अभी हमने देखा क्या क्लियर वाटर के लिए कौन सा फ्रॉग यूज़ करना है। क्लियर वाटर के लिए सबसे टॉप मेरा सजेशन रहेगा वाइट फ्रॉग आपको यूज़ करना है, दुश्मन फ्रॉग। देन उसके अलावा अगर आपको यूज़ करना है तो देन आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो, ग्रीन फ्रॉग, ये 12 ग्राम का फ्रॉग है बलून फ्रॉग की क्वालिटी में, देन आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के कोई भी कलर। और ये आएगा BSR फ्रॉग, काफ़ी टॉप क्वालिटी का है, इसके पीछे में फ्लावर्स टाइप लगा हुआ है अट्रैक्ट करने के लिए, और इसका नॉइज़ बहुत बढ़िया आता है पानी के अंदर में, इसका नॉइज़ बहुत बढ़िया आएगा। देन अगर जहाँ पर आपको ये चीज़ें काम नहीं आएगी वहीं पे ये चीज़ काम में आएगी, प्रोपेलर के साथ में आता है ये बस बेट,
बस बेट आपको उन कंडीशंस में काम में आएगा जहाँ क्लियर वाटर है, डीप वाटर फिशिंग करनी है आपको, टॉप वाटर फिशिंग करनी है, लेकिन वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह नहीं है, पानी के अंदर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपके लिए नहीं है क्लियर वाटर के लिए। अब आपको बताओगा कि कौन से सीजन के लिए कौन सा फ्रॉग यूज करना है, सबसे मेन थिंग कौन से सीजन के लिए कौन सा फ्रॉग यूज करें। अगर समर सीजन है, विंटर नहीं है, समर सीजन है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो देन आपको पॉपर यूज करना कंपलसरी है। पॉपर इन सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है, नॉइज़ करता है, नॉइज़ के ऊपर में जो स्नेक हेड का अटैक है वो सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद में अगर आप विंटर सीजन से ऑफ हो गए हो, तो देन समर सीजन चल रहा है और ज़्यादा हवा नहीं है, तो आपको दुश्मन फ्रॉग यूज़ करना है। अगर सादा पानी है, क्लियर पानी है, तब भी एनी कंडीशन, सिर्फ हवा के अंदर में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। देन इस द बलून फ्रॉग, बलून फ्रॉग आप कोई भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। इसकी भी नॉइस बहुत बढ़िया आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आती है, इसकी नॉइस सबसे ज़्यादा आती है ये पॉपर। बट पॉपर के ऊपर में अटैक उतने नहीं होते जितने इसके ऊपर में होंगे या इसके ऊपर में होंगे। और सबसे टॉप, ये छोटी साइज़ बहुत ज़रूरी है, छोटी साइज़ के ऊपर में अटैक अच्छे होते हैं। गाइस आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये किन जगहों पे काम में आते हैं, ये किस लिए बनाया गया है, ये किन जगहों पे काम में आते हैं, ये छोटे छोटे फ्रॉग्स कहाँ पे काम में आते हैं। वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी खंजी है, वहाँ पर जहाँ पर बहुत कम एरिया है, एक छोटा सा होल है, वहाँ पे एक स्नेक हेड बैठा हुआ है। आपको पता है वहाँ एक स्नेक हेड है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक लाइन बांधनी है, छोटी सी 30 mm की लाइन जो होगी, मोनो लाइन या ब्रेडेड लाइन 30 mm की, इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि 8 ग्राम का ही है, इसके ऊपर में 30 ग्राम से लेस भी चलेगा। और उसको सिर्फ आपको सिंपल उस जगह पे बहुत थोड़ा दूर बैठना है और उस जगह पे टप्पा देना है। जैसे आप टप्पा दोगे इस तरह से, तो स्नेक हेड मूव करता है, और थोड़ी सी जगह होने के कारण ये छोटा है, स्मॉल है, तो आप उसको थोड़ा हिलाओ, फिर बाद में देन निकाल लो, फिर 2-3 बार टप्पा दो, तो स्नेक हेड जैसे ही नेक्स्ट टप्पा पड़ेगा उसके ऊपर में अटैक करता है। इसके लिए ये यूज़ में आएगी।